स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे हाउ टू डेवलप आ क्वेश्चन ईयर इन सर्वे रिसर्च अब हम बात करेंगे कि जब हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं तो उसमें किस तरह के हम क्वेश्चन यूज करते हैं पहले लास्ट मॉड्यूल में हमने बात की थी कि क्वेश्चन डिवेलप करते वक्त हमें किन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना चाहिए इस मीड्यूल में पर्टिकुलरली देखेंगे कि जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स हम जब सर्वे रिसर्च में क्वेश्चन की नेचर देखते हैं तो ये तीन तरह के हो सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं और पार्शली ओपन क्वेश्चन हो सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है इज अ टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च इंक्वायरी दैट अलाउज रिस्पोंडेंट फ्रीडम टू ऑफर एनी आंसर दे विश टू द क्वेश्चन इसमें कोई आपने सेट ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरीज गिवन नहीं दिया होता आप ये आंसर जो है वो छोड़ देते हैं एज अ चॉइस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट कि वो उसको कैसे जो है आंसर करेगा यानी कि अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट करंट गवर्नमेंट तो इसमें अगर आपको रिस्पॉन्स कैटेगरीज नहीं दे रहे तो ये एक सिंपली आप वो आपको एक डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव फॉर्म में बताएगा आपका रिस्पॉन्डेंट कि उसकी ओपिनियन क्या है तो ये आ, जो है टाइप ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये आपके लिए यूजफुल होता है जब आपने जो है सब्जेक्टिव असेसमेंट करनी है लोगों के ओपिनियन की क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इंक्वायरी इन विच रिस्पॉन्डेंट मस्ट चूज फ्रॉम अ फिक्स्ड सेट ऑफ आंसर्स जब आपके आ, जो है रिसर्च क्वेश्चन के साथ आ, जो है सेट ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरीज दिया हो तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर पूछ रहे हैं अपने रिस्पॉन्डेंट से कि डू यू एग्री विद द करंट गवर्नमेंट अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज तो अगर उसमें आपने ये सेट ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरीज दिया है स्ट्रांगली एग्री एग्री डोंट नो डिसएग्री डिस डिसएग्री तो ये एक क्लोज एंडेड कोशन ईयर कलाएगा

तो वो अपना जो है रिस्पॉन्स वो अदर की कैटेगरी में रिकॉर्ड कर सकता है जहाँ पे वो अपना उसको नेरेटिव फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकता है कि उसका आंसर क्या है तो एक अच्छे क्वेश्चन में जो है कुछ क्वेश्चन क्लोज एंडेड होते हैं कुछ ओपन एंडेड होते हैं और कुछ पार्शली ओपन होते हैं ये आपकी नेचर ऑफ स्टडी पे बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा समाइम आपकी जो है अगर रिसर्च एक्सप्लोरेटिव इन नेचर है तो उसमें शायद आपके जो है ज़्यादातर क्वेश्चन वो ओपन एंडेड हों या पार्शली ओपन हों और अगर आपकी स्टडी डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी इन नेचर है तो उसमें फिर आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा होने के चांसेस हैं